नमस्कार, मेरा नाम राधा देवी है। मैं आलमपुर गांव की रहने वाली हूं। मैं युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की डायरेक्टर पोस्ट पे हूं। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम बाजरे के बिस्किट कैसे तैयार कर रहे हैं। हमने अपने FPO में बाजरे के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं, जिनमें बाजरे का बिस्किट हम लोग अब तैयार कर रहे हैं, और उसकी विधि क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो कुछ इस प्रकार है, मैंने एक कटोरी नाप के सरस घी की ली है, और साथ में एक कटोरी मैंने चीनी ली है। घी को मैंने पिघलाया नहीं है बिल्कुल भी, जैसा वो था वैसा ही लिया है। ये सर्दियां हैं तो ये घी जमा हुआ है, और गर्मियों में ये घी जमा हुआ नहीं होगा तो मैं इसको फ्रिज में रख के यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मुझे क्रीमी फॉर्म में चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, जितना हो सकेगा इसको फेटूंगी। इसके अंदर हवा भरनी है, जितनी इसके अंदर हवा भरेगी, जितना ये फेटा जाएगा उतना ही ये बिस्किट अच्छा और क्रंची बनेगा। अब मैंने ये शुगर पाउडर और साथ में सरस का देसी घी फेटना शुरू कर दिया है। मैं इसको जब तक फेटूंगी, जब तक ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। लगभग 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको फेटूंगी। हमने जो ये बिस्किट बनाए हैं वो इस मकसद से नहीं बनाए कि हमें इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे जो हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। हम इसमें शुद्ध जो अपना गांव का देसी होता है वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसकी बजाय मैं इसमें रिफाइंड भी यूज़ कर सकती थी, मीठा सोडा भी यूज़ कर सकती थी, कई ऐसी चीज़ें हैं, एसेंस भी यूज़ कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया इसमें। अब देखिए, इसमें खूब अच्छी तरह से हवा भर चुकी है और ये इस फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, जो मैंने पहले से ही कूट के रखी हुई है, वो मिलाऊंगी। और जो मैंने ये आटा लिया है बाजरे का आटा थोड़ा मोटा पीस लिया है। जैसे एक कटोरी मेरा घी था, एक कटोरी मेरी चीनी थी, और उसी हिसाब से दो कटोरी मैं आटा लेंगी। एक छोटा सा माप रखा है, माप से थोड़ा सा हमें अंदाज़ा आ जाता है, क्योंकि घी का अंदाज़ा नहीं आ पाता फिर कि वो कितने में अच्छे से बंध पाएगा। अब मैंने इसमें ये घी मिला दिया है। अब देखो ये ऐसे, अब ये इस चम्मच की सहायता से अच्छे से मिल नहीं पा रहा, इसलिए मैं इसको एक साइड रख के और इसको हाथ से बांधूंगी। इसमें थोड़ा सा बेक, क्योंकि मैं ओवन में बेक करूंगी इसको, इसलिए मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, जिससे थोड़ी सी फुलावट अच्छी आएगी और उसका कलर भी अच्छा आएगा और अच्छे से सिक पाएगा। लगभग एक चुटकी। और जैसे बच्चों के मकसद से मैंने बिस्किट बनाए कि छोटे बच्चे मैदा के बिस्कुट खाने की बजाय हमारे बिस्किट ट्राई करें, इसलिए मैं थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें चॉकलेट पाउडर डालूंगी। अब मुझे इसे अच्छे से गूंथना है। इसको जब तक गूंथूंगी बिल्कुल नरम हाथों से, ताकि इसकी हवा भी ख़त्म ना हो और साथ में ये आपस में मिल भी जाए, क्योंकि अगर इसको टाइट हाथों से गूथा जाएगा और इसको टाइट आटे को मिलाया जाएगा तो इसकी हवा ख़त्म हो जाएगी और जो इसके अंदर स्मूदनेस आनी थी वो नहीं आएगी। अब मैंने इसको गूथ के, ये देखो, माप का बस एक यही फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाती हैं, हमें ऊपर से नहीं डालना पड़ता। जैसे मैंने एक कटोरी घी लिया, एक कटोरी ही मैंने उसमें मीठा लिया, और दो कटोरी उसमें, क्योंकि हम लोग हमेशा मीठा एक गुना जो आटा लिया उसका एक गुना मीठा लेते हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। आटे को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसके अंदर। बाजरे की जो खासियत होती है वो जुड़ता नहीं है जल्दी से, और वो टूटता ही रहता है, इसलिए ये हम चकला बेलन पे नहीं बना सकते इसको, ना ही किसी चीज़ की सहायता से इसको बेल सकते हैं, इसलिए पूरा हाथ से ही करना पड़ेगा मुझे। तो जितने भी बिस्किट तैयार करती हूँ मैं सारे हाथ से ही करती हूँ। अब मैंने ये ओवन की एक ट्रे ली है,
जिस पे मैंने बटर पेपर लगाया है, और बटर पेपर इस पे अच्छे से लगा लिया ताकि ये चिपके ना। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा आटा, जो ये मेरा मिक्सचर है, इसको हाथ पे लूँगी। और हाथ पे लेने के बाद जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, अब जैसे मैंने तो ये डिज़ाइन बनाया, और उसके बाद ये जैसे 2020 आम बिस्किट्स में हम लोग देखते हैं, सादा डिज़ाइन मैंने बना दिया है। और ये देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से नहीं उतार पाऊँगी तो ये गिर के टूट जाता है। गोल तरह के इसमें ये डिज़ाइन भी रख सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे। अब मैंने अपने ओवन को प्री हीट के लिए रख दिया है, ये गर्म हो जाएगा। इसको बिल्कुल मंदी आंच में सेकेंगे हम लोग, लगभग 170-150 के टेम्परेचर पर ओवन में। अगर ओवन ना हो तो हम इसे कढ़ाई में भी सेक सकते हैं, नमक डाल के। नमक से भी सिकाई की जा सकती है। मेरे पास शुरू में ओवन नहीं था तो मैंने नमक में ही सेके थे, और अच्छी सिकाई हुई थी उससे भी। अभी ये ओवन तैयार है, और ये मेरे बिस्किट भी तैयार हैं, जो मैंने हथेली के दबाव से और थोड़ा सा डिज़ाइन बना के और इस प्रकार तैयार किए हैं। और अब मैं ये ट्रे इसमें लगा दूँगी। अब हम इसको खोलेंगे और निकाल के देखते हैं। ये देखो, ऊपर वाले सिक चुके हैं। ये बिस्किट जो मेरे सिक चुके हैं, वो उनको अभी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि घी में था ना, तो अगर मैं इसके हाथ लगाऊंगी तो टूट जाएंगे। ये एक टूट भी गया है, तो इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। बस इनके ऊपर नारियल का थोड़ा सा बुरादा डेकोरेशन के लिए। अब मैं तो बुरादा डाल रही हूँ, पिस्ता, बादाम, कुछ भी डाल सकते हो आप क्रश करके। इससे थोड़ा सा जैसे बाजरे का कलर भी चेंज हो जाता है ना। और अब हम इन्हें 100 ग्राम की पैकिंग में रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट करना चाहते हैं, तो 100 ग्राम की पैकिंग में उनके लिए भी आसानी और हमारे लिए भी आसानी, क्योंकि हमने इसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया है। और 100 ग्राम की पैकिंग कोई भी आसानी से ले सकता है, तो हम लगभग 100 ग्राम की पैकिंग रखेंगे। ये पूरी 104 ग्राम। अब मैं इसको पैक कर दूँगी। नमस्कार, मेरा नाम राधा देवी है, मैं गांव आलमपुर से हूँ। मेरे FPO का नाम युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। नाबार्ड के सौजन्य से जो हमारे DDM साहब हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप लोग ये जो मिलेट्स ईयर है, ये बाजरा का ईयर, बाजरा का साल घोषित किया है सरकार ने, उस पर आप बाजरे पर काम करो। तो हम महिलाओं ने, गोकुल सर ने, सब ने मिल के हमें ये कहा कि आप बाजरे पर कुछ काम करोगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो हम लोगों ने बाजरे के बिस्किट तैयार करने शुरू कर दिए, और जब हमने बाजरे के बिस्किट तैयार किए तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने स्वादिष्ट बनेंगे। जिसने भी खाए उसने ही प्रशंसा की। उसमें प्रोटीन तो है ही है, साथ में देसी घी और नारियल का बुरादा जैसी नेचुरल चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जो शरीर के लिए साइड इफ़ेक्ट हो जिसका कुछ। तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोग इसकी ख़रीदारी करें, अपने बच्चों को मैदा ना खिलाकर बाजरे जैसे जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा है, बाजरे को खिलाएं। तो अगर 4 बिस्किट भी अगर बच्चा खाता है तो उसके शरीर में प्रोटीन जाता है। तो मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसके बिस्किट्स बनाए हैं, मठरी बनाई है, नमकीन बनाई है, लड्डू बनाए हैं, बर्फ़ी बनाई है। तो अगर ये सब बिकते हैं तो मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाओं को, हमारे जो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, इसमें लगभग 500 महिलाएं हैं हम, और 500 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर अपनी मेहनत से कुछ कमा के खा रही है तो, और वो भी किसी को स्वस्थ रखकर,
जो बाजरे से उत्पादित कुछ भी अगर मैं बनाती हूँ, बिस्किट बनाती हूँ, लड्डू बनाती हूँ, और वो किसी के पास जाता है तो उसके लिए भी, उसको भी फ़ायदा होगा और हम जैसी महिलाओं को भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी DDM साहब को, नाबार्ड को और युवा जागृति संस्थान को, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम लोग अपने ये छोटा सा रोज़गार शुरू कर पा रहे हैं। और आप सबसे मैं ये निवेदन करूँगी कि हमारे इस रोज़गार को बढ़ावा दें और हमारे द्वारा बनाए हुए ये जो बिस्किट्स हैं, लड्डू हैं, मठरी हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।